आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लूइड ओएस के एक नए अपडेट के बारे में जिसे आपके डिवाइस के लिए लॉन्च किया गया है। फिलहाल आप सोचोगे यह अपडेट काफ़ी पुराना है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। एंड जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाउनलोड के लिंक मिलेंगे वो एकदम लेटेस्ट होंगे, मतलब कि एक या दो दिन ही पुराने होंगे, तो आपको वही कुछ डाउनलोड करना है और ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। इंटरफेस वगैरह सब कुछ आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। अभी यार यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और सबसे पहले मैं इस रोम का पूरा रिव्यू करूँगा आपके सामने ताकि आप लोग यहां पर जान पाओ कि ये आपके डिवाइस में कैसा चलेगा। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल वाले आइकन को भी दबा लेना ताकि आप लोग मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सको। तो सबसे पहले जब आप इसके आइकन्स को देखोगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी पुराने वाले आइकन्स का फील आएगा, बिकॉज यहाँ पर ये वैनिला बिल्ड है, जी एप्स आपको देखने को नहीं मिलता है, तो आपको अलग से जी एप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर अगर बात की जाए कंट्रोल पैनल की, तो कंट्रोल पैनल यहाँ पर काफ़ी सिंपल है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी कस्टमाइजेशंस वगैरह ऐड नहीं किए गए हैं जो आपको काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड कर सके। उसके अलावा यहाँ पर बात की जाए नेटवर्क को लेकर, तो नेटवर्क को काफ़ी ध्यान दिया गया है एंड्रॉयड 12 के अंदर, और यहाँ पर आपको सभी कुछ काफ़ी स्टेबल देखने को मिलेगा, मतलब नेटवर्क के अंदर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, चाहे वो मोबाइल डाटा का क्यों ना हो, चाहे वो वाईफाई हो। और या फिर बात की जाए यहाँ पर कास्ट वाले ऑप्शन की, तो कास्ट वगैरह सब कुछ आपके डिवाइस में यहाँ पर वर्किंग मिलेगा। अभी ऐसा नहीं है कि आपको छोटे छोटे बग्स तो देखने को नहीं मिले, लेकिन हाँ गाइस, आपको ऐसा है कोई ऐसा बड़ा बग देखने को नहीं मिलेगा जो आपके डिवाइस को हार्मफुल पहुँचाए या फिर आपको लगे कि आपका डिवाइस इसके बिना चल नहीं सकता है, तो आप बिंदास होकर एंड्रॉयड 12 को यूज़ कर पाओगे। अभी यहाँ पर बात की जाए इसकी बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, तो एंड्रॉयड 12 की जो बैटरी बैकअप है ना वो काफ़ी अच्छा है और आपको काफ़ी लंबे समय तक आपके डिवाइस को यूज़ करने की परमिशन देता है। और यहाँ पर काफ़ी कस्टमाइजेशंस बैटरी के अंदर किए गए हैं एंड्रॉयड 12 को लेकर, तो मतलब आप यहाँ पर काफ़ी बैटरी बचा सकते हो। नाउ यहाँ पर बात की जाए डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के अंदर आपको कोई भी नया चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पर आपको वही सारे पुराने फीचर ही देखने को मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पर अभी एंड्रॉयड 12 नया आया है और नए के अंदर आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, बस इसका जो भी थीमिंग सिस्टम है वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो मेरे हिसाब से आपके लिए फ़िलहाल के लिए तो काफ़ी है, लेकिन जो भी आने वाले अपडेट्स आएंगे उन सभी के अंदर इसे फिक्स किया जाएगा और शायद एंड्रॉयड 12 को और भी मॉडिफाई किया जाए। और यही थे कुछ फीचर्स जो आपको डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अभी जो फीचर इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है आप मुझे उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नाउ यहाँ पर बात की जाए वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा डार्क मोड, एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, मतलब आप लोगों को यहाँ पर मोनेट चाहिए होता है, अभी आपको मोनेट यहाँ पर वर्किंग नहीं है बिकॉज आपके डिवाइस में जी एप्स बिल्ड नहीं है, तो वैनिला बिल्ड के अंदर आपको इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आप एक जी एप्स को इंस्टॉल करोगे बढ़िया सा तो आप लोग सब कुछ यहाँ पर ट्राई कर पाओगे। एंड उसके बाद यहाँ पर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के अंदर आपको वही सारे नॉर्मल फीचर्स लाइक यहाँ पर आपको मिलता है फिंगरप्रिंट, एंड उसके अलावा आपको यहाँ पर कोई भी लॉक देखने को नहीं मिलता है, हालांकि जो पैटर्न अनलॉक है या फिर पिन अनलॉक है वो तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके अलावा फेस अनलॉक का सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलता है एंड और भी कुछ सिस्टम्स होते हैं जो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि एंड्रॉयड 12 के अंदर काफ़ी काम बाकी है जिसे काफ़ी जल्दी पूरा किया जाएगा और आप सभी को नए नए अपडेट्स के साथ सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, बस आपको यहाँ पर वेट करना होगा जितना आप कर सकते हो। नाउ यहाँ पर जो लास्ट फीचर हमें देखने को मिलता है वो है गेस्टर्स के अंदर, अभी गेस्टर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा नेविगेशन गेस्टर्स जो आप सभी को काफ़ी पसंद आया था एंड्रॉयड 12 के अंदर, सॉरी 11 के अंदर। फिलहाल यहाँ पर वही सारे सेम फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। अभी मुझे पता है काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि एंड्रॉयड 12 के अंदर इतना कुछ खास नहीं आया है, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि एंड्रॉयड 12 अभी पूरी तरह डेवलप नहीं किया गया है। जब तक इसे पूरी तरह से सारे अपडेट्स के साथ आपको पुश नहीं किया जाता तब तक आपके मन में यही रहेगा कि अभी तक एंड्रॉयड 12 इतना खास नहीं है, हालांकि एंड्रॉयड 11 से तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्टेबल भी है
और यहाँ पर जितने भी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो काफ़ी हद तक सही है और आपके डिवाइस को हैंडल कर पा रही है। और अभी आप खुद समझदार हो कि एंड्रॉयड 12 जैसा वर्जन आपके डिवाइस में इतना स्टेबल चल ही रहा है तो और आपको क्या चाहिए। वैसे भी इतना कोई खास हमारा डिवाइस नहीं है जो लेटेस्ट से लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर पाए और उसे हैंडल भी कर ले, तो इसके लिए हमें काफ़ी खुशी मनानी चाहिए कि हमारे डिवाइस इसे हैंडल कर पा रहा है। और वैसे भी एंड्रॉयड 12 काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी फास्ट है, और जब तक इसका एक नया अपडेट नहीं आ जाता, जब तक इसके अंदर पूरे कस्टमाइजेशंस नहीं आ जाते, तब तक आपको यहाँ पर वेट करना होगा। चलो मैं इसका आपको इंस्टॉलेशन पार्ट दिखा देता हूँ ताकि आप लोग इसे इंस्टॉल कर पाओ। ओके, तो सबसे पहले आपको इसे इंस्टॉल करने के लिए रिकवरी मोड में जाना होगा और आप लोगों को यहाँ पर यूज करनी है ऑरल फॉक्स रिकवरी, जो आपके डिवाइस के लिए काफी स्टेबल है। अभी आपको सिंपली करना है क्लिक फॉर्मेंट डाटा पे, यहाँ पर आपको यस टाइप करना है और यहाँ पर टिक कर देना है और आपका डिवाइस यहाँ पर फुल्ली फॉर्मेट हो जाएगा। अभी आपको सिंपली बैक जाना है, डेलवे कैचे सिस्टम डाटा वेंडर सभी पर क्लिक करना है और इसे यहाँ पर स्वाइप कर देना है। ऐसा करने से आपका डिवाइस अभी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। अभी आपके डिवाइस में कोई भी कस्टम होम इंस्टॉल नहीं है। अभी आपको जाना है बैक और यहाँ पर करना है रिकवरी मोड के अंदर दोबारा से अपने डिवाइस को बूटअप। अभी आपका जो डिवाइस है वो रिकवरी के अंदर दोबारा से बूटअप लेगा, तो उसके लिए यहाँ पर आपको कुछ समय तक वेट करना होगा। एंड उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप लिंक डाउनलोड करोगे, मतलब इस रोम को डाउनलोड करोगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। आपको सिंपली वहीं से डाउनलोड करना, अगर आप कहीं और से करोगे, आपका डिवाइस बूटअप ना लिया, तो इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। तो आप मुझे मत कहना कि यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है। अभी रिकवरी ऑन होने के बाद आपको सबसे पहले कस्टम रोम को एंड यहाँ पर जी एप्स को सिलेक्ट कर लेना है। जी एप्स का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप सिंपली उस जी एप्स को यूज़ कर पाओगे। अभी आपको सिंपली दोनों को यहाँ पर इंस्टॉल पे लगा देना है। अभी आपका जो डिवाइस है इसे इंस्टॉल करेगा, तो मैं जल्दी से वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ ताकि हम लोग अपनी टाइम को बचा पाएं। नाउ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आपका रोम यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए तो आपको यहाँ पर रिबूट नहीं करना है, बल्कि आपको बैक जाना है और यहाँ पर जाना है वाइप के अंदर और अपने डिवाइस को पूरा यहाँ पर फॉर्मेट करना है, बल्कि आपको यहाँ पर सिंपली यस टाइप करना है और आपका डिवाइस यहाँ पर फॉर्मेट हो जाएगा। तो आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। अभी जब फॉर्मेट कंप्लीट हो ही जाएगा तो आपको सिंपली अपने डिवाइस को रिबूट सिस्टम पे कर देना है। अभी आपका डिवाइस बिंदास होकर बूटअप ले लेगा। अगर आप ये सारा प्रोसेस नहीं करोगे तो आपका डिवाइस यहाँ पर बूटअप नहीं ले पाएगा, जो आपको काफ़ी दिक्कत दे सकता है नेक्स्ट टाइम पे। तो आई होप कि आप ये सब कुछ सही से करें। सो गाइज, ये था एक छोटा सा वीडियो, मतलब कि कंप्लीट वीडियो था आपके लिए, जिसके अंदर मैंने आप सभी को बताया कि आप लोग इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले इसका पूरा रिव्यू देखना होगा जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अभी आप लोग मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके मन में ये सवाल है कि फ्लूइड ओएस इतना कुछ खास नहीं है, तो आपको वेट करना होगा जब तक इसके नेक्स्ट अपडेट नहीं आ जाते, बिकॉज एंड्रॉयड 12 अभी भी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ही बिल्ड कर रहे हैं। तो चलो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।